दिंडोलीमां विष्करणथी महिलानुं मोत निपजवाना केसमां नायब इंजीनियर अने दिंडोली पोलीसना जवाबदार अधिकारी सहित चार सामे कोर्टमां फरियाद करवामां आवता कोर्ट 60 दिवसमां रिपोर्ट करवा दिंडोली पोलीसने आदेश कर्यो छे। केसनी विगत मुजब 2021मां गणेश विसर्जनना दिवसे 19 सप्टेम्बरे मधुबेन नवीनभाई राठोडनुं वीज करंट लागवाथी अवसान थयुं हतुं। आ केसमां जवाबदार वीज कंपनीना अधिकारीओ सामे गुनो दाखल करवाने बदले दिंडोली पोलीसे अन्य व्यक्ति विरुद्ध कार्यवाही शुरू करी हती, जेथी मृतक मधुबेनना पुत्र पिलेश नवीनभाई राठोडे एडवोकेट अश्विन जे जोगड़िया मार्फते अत्रेनी कोर्टमां जवाबदारो सामे सापराध मनुष्यवध अने पुरावानो नाश करवा सहितनी कलमो हेठळ फरियाद करी छे, जेमां तेमणे लेखितमां रजूआत करी हती कि ढाहियाभाई आहिर नामनी व्यक्ति लंगरिया नाखी वीज चोरी करता हता अने तेमां स्पार्क थता वीज वायर तूटी अने नीचे पथरा उपर पड्यो हतो, तेमांथी करंट लागता मधुबेननुं अवसान थयुं हतुं। मधुबेननुं मृत्यु निपजा बाद वीज कंपनीना कर्मचारीए थांभला परथी लंगरियानो वायर रफेदफे करी दीधो होवानो आक्षेप पण तेमणे कोर्ट फरियादमां कर्यो हतो। वीज चोरी बाबते वीज कंपनीनो स्टाफ पण जवाबदार होय तेमणे ढाहियाभाई आहिर उपरांत डिंडोली सब स्टेशनना नायब इजनेर वीज थांभलामांथी वीज वायर रफेदफे करी पुरावानो नाश करनार कर्मचारी तथा जवाबदारो सामे गुनो दाखल न करनार दिंडोली पोलीस स्टेशनना जवाबदार अधिकारीने आरोपी बनावा कोर्ट फरियाद करी छे। आ केसमां फरियाद पक्षनी दलील सांभळ्या बाद दिंडोली पोलीस स्टेशनना जवाबदार अमलदारने 60 दिवसमां रिपोर्ट रजू करवा कोर्टे आदेश कर्या छे।